हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप और 007। तो आप लोग मेरे चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि दूसरे को भी काम में आए। और ये वीडियो कैसे लगा ये आप लोग कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं, और दूसरा कौन सा टॉपिक्स में वीडियो लाना है वो भी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक्स है, आज का टॉपिक्स एक्चुअली मेरे पास कुछ फोन्स भी आया है और मुझे कुछ मेल भी किया गया है कि ऐसे एक लेटर बनाइए, क्योंकि हम लोग के पास जो बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग्स हो, करेंट हो, जो भी अकाउंट है, तो उसका SMS पहले आता था, बट अभी वो SMS पिछले 1-2 महीने से नहीं मिल रहा है। तो उसका लेटर कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मुझे बोला, रिक्वेस्ट किया है कि एक लेटर बना के ऐसे वीडियो पेश कीजिए कि हम लोगों को काम में आए। तो वही वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन में मैं लेटर का सैंपल रखा हूँ, और इसको मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। पहले देखिए, मैं लिखा हूँ यहाँ पे, टू दी ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच नेम, प्लेस नेम दिया हूँ, डेट आपका जो है, आप जिस दिन लेटर लिखेंगे उस दिन का डेट दीजिए, और आपका जो बैंक में आप लेटर लिखेंगे उस बैंक का नाम दीजिए, और ब्रांच नेम आपका जो है वो भी दे दीजिए, और प्लेस जहाँ से आप लिख रहा है वहाँ का, मतलब यहाँ का आपका बैंक है वहाँ का। उसके बाद सब्जेक्ट में मैं दिया हुआ एक्टिवेशन ऑफ SMS सर्विस, क्योंकि SMS नहीं मिल रहे उसको एक्टिवेट करना है। उसके बाद डियर सर और मैडम, क्योंकि जेंट्स और लेडीज़ में से कोई भी हो सकता है, तो जो भी है आप उसमें डियर सर और मैडम जो भी होगा, लेडीज़ और जेंट्स जो भी, वो लिख दीजिए। उसके बाद मैं लिखा हूँ, आई एम हैविंग ए सेविंग्स बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच सिंस 2005, द अकाउंट नंबर इज़ 1 आपका बैंक में मेरा 2005 से अकाउंट है, और मेरा अकाउंट नंबर है ये, आई वॉज गेटिंग SMS फॉर एवरी ट्रांजेक्शन वेन एवर आई मेट, मुझे मेरा ट्रांजेक्शन के लिए SMS मिल रहा था, बट लास्ट 1 आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी SMS फ्रॉम माई अकाउंटेंट फॉर एनी ट्रांजेक्शन आई हैव मेड, बट पिछले 1 महीने से मुझे कोई भी SMS नहीं मिल रहा है जितना भी मैं ट्रांजेक्शन किया हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीएक्टिवेट और अपडेट माई मोबाइल नंबर विद द मेंशन्ड अकाउंट एट द अर्लीस्ट, सो दैट आई कैन गेट SMS अलर्ट फॉर माई अकाउंट इन एवरी मोमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो अकाउंट नंबर मेंशन किया है उसके साथ मेरा मोबाइल नंबर को अपडेट और रीएक्टिवेट कर दीजिए, कि मुझे मेरे अकाउंट का ट्रांजैक्शन का पूरा खबर मिल सके। उसके बाद नीचे थैंक्स एंड रिगर्ड्स, योर नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, योर एड्रेस, आपका जो नाम है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, योर आपका एड्रेस दे दीजिए, देखिए इस लेटर को बनाइए, बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर और एक बार देख लीजिए, आपका सामने मैं स्क्रीन में रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। फिर मैं एक बार लास्ट पढ़ के सुना देता हूँ, देखिए, सब्जेक्ट में एक्टिवेशन ऑफ SMS सर्विस, डियर सर और मैडम, आई एम हैविंग ए सेविंग्स बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच सिंस 2005, द अकाउंट नंबर इज, आपका जो अकाउंट नंबर है मेंशन कर दीजिए, आई वॉज गेटिंग SMS फॉर एवरी ट्रांजेक्शन व्हेन एवर आई मेड, बट लास्ट 1 आई हैव नॉट रिसीव एनी SMS फ्रॉम माई अकाउंट एंड फॉर एनी ट्रांजेक्शन आई हैव मेड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीएक्टिवेट और अपडेट माई मोबाइल नंबर विद द मेंशन अकाउंट एट द अर्लीस्ट, सो दैट आई कैन गेट SMS अलर्ट फॉर माई अकाउंट इन एवरी मोमेंट। उसके बाद नीचे थैंक्स एंड रिगर्ड्स, योर नेम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, योर एड्रेस, ये था शुरुआत। और ये देखिए, इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ।